हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के एक और प्ले को पढ़ते हैं जिसका कि नाम है किंग हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने किंग हेनरी फोर्थ के पार्ट वन को पढ़ा था। इस पार्ट में किंग हेनरी फोर्थ पार्ट वन से आगे की कहानी जारी रहेगी। तो आइए इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड सिविल वार से घिरा हुआ है। किंग हेनरी फोर्थ का असली नाम हेनरी बिलिंगब्रोक है। सभी रिबेल्स किंग हेनरी फोर्थ को गद्दी से उतारने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। सभी रिबेल्स जितने भी विद्रोही हैं, विद्रोहियों को बैटल ऑफ श्रीव्सबरी में हार का सामना करना पड़ा था। पर्सी परिवार के कई सदस्य मर चुके थे जिसमें हॉट्सपर भी शामिल था। अब जो रिबेल्स बचे हुए हैं वो किंग हेनरी फोर्थ के लिए खतरा बने हुए हैं। अब आइए उनको देखते हैं कि जो जो रिबेल्स बचे हुए हैं उनकी लिस्ट देखते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास कौन कौन से बचे हुए हैं। आर्क बिशप ऑफ यॉर्क, ये आर्क बिशप ऑफ यॉर्क एक पादरी हैं। हेनरी पर्सी, लॉर्ड मॉबरे, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो पादरी के साथ राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अनदर इज लॉर्ड बारडोल्फ, लॉर्ड बारडोल्फ नॉर्थम्बरलैंड के राजा के पास उसके बेटे हॉट्सपर की जीत की खबर लेकर के जाता है, लेकिन सच्चाई पता चलने पर कि वह मारा गया, जीता नहीं, तो नॉर्थम्बरलैंड किंग हेनरी फोर्थ के खिलाफ लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होता है। किंग हेनरी फोर्थ उम्र से ज़्यादा बूढ़े लगने लगे हैं और वो बीमार भी हैं, और उनके बेटे प्रिंस हैरी जो है वो किंग हेनरी फोर्थ जो है अपने बेटे प्रिंस हैरी के बारे में हर समय चिंतित रहते हैं क्योंकि वो इर्रेस्पॉन्सिबल उनको समझते हैं। तो प्रिंस हैरी के जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे बदमाश हैं, चोर उचक्के हैं। तो वो हमने पहले वीडियो में भी देखा था, तो यहाँ पर भी देखेंगे। बारडोल्फ जिसका कि मुंह लाल है, और एक और उनके दोस्त हैं पेटो, एक और उनके दोस्त हैं गेल्डसिल, अनदर फ्रेंड नेड पॉइंस, अनदर फ्रेंड इज फॉलस्टाफ। तो फॉलस्टाफ के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। तो फॉलस्टाफ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बैटल ऑफ श्रीव्सबरी में सोने की एक्टिंग की थी और अपनी जान बचा ली थी, और वो बंदूक की जगह पर शराब की बोतल लेकर के युद्ध के मैदान में गए थे, लेकिन लोग समझते थे कि इसने ही हॉट्सपर को मारा है। इस झूठ में प्रिंस हैरी भी उनका साथ देते हैं। अब इस बात को लेकर के लोग उनकी इज्जत करते हैं, यानी अब फॉलस्टाफ को आर्मी कैप्टन बना दिया गया है जो जवान लड़कों को सेना में भर्ती कर रहा है। उधर जस्टिस सेलो और जस्टिस साइलेंस कुछ लड़कों को आर्मी में भर्ती के लिए रुकाया हुआ है। वहाँ बारडोल्फ और फॉलस्टाफ ग्लोसेस्टरशायर में शानदार फार्म पर रुकते हैं। आगे क्या होता है कि माउल्डे और बुलकैफ ये दोनों आर्मी में भर्ती न होने की फॉलस्टाफ को रिश्वत देते हैं, और अन्य लड़के जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं वो हैं शैडो, वार्ट, फीबल। अब क्या होता है, प्रिंस हैरी को ये एहसास हो जाता है कि अपने पिता की मौत के बाद उसे राजा बनना है, तो वह रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ कम समय बिताना स्टार्ट कर देता है। अब उधर जो रिबेल्स हैं, जो विद्रोही हैं, विद्रोही जो रिबेल लीडर्स हैं, तो उनमें लॉर्ड ऑफ बारडोल्फ, लॉर्ड ऑफ हेस्टिंग्स, लॉर्ड ऑफ मॉबरे, आर्क बिशप ऑफ यॉर्क, ये किंग हेनरी फोर्थ के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए फॉरेस्ट ऑफ गॉल ट्री में इकट्ठा होते हैं। और ये सभी रिबेल्स दुखी हो जाते हैं जब हेनरी पर्सी अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड अपनी सेना भेजने से मना कर देते हैं। तो ऐसा उनकी वाइफ लेडी पर्सी के कहने पर उन्होंने किया था। अब जो शराब खाना है, तो शराब खाने का नाम होता है द बोर्श
हैट। तो वहाँ पर एक मिस्ट्रेस होती है, मिस्ट्रेस क्विकली, शराब खाने की मिस्ट्रेस क्विकली जो होती है वो लॉर्ड चीफ जस्टिस सेफ फालस्टाफ की शिकायत करती है कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था लेकिन उसने शादी नहीं की और उससे पैसे भी ठग लिए हैं। अब प्रिंस हैरी लॉर्ड चीफ जस्टिस को फालस्टाफ को गिरफ्तार करने से मना कर देते हैं क्योंकि श्रीवसबरी के बैटल में फालस्टाफ ने बड़ी इज्जत कमाई थी। उधर प्रिंस जॉन जो कि प्रिंस हैरी के छोटे भाई हैं, किंग हेनरी फोर्थ का छोटा बेटा है, रिबेल्स से लड़ने अपनी आर्मी के साथ फॉरेस्ट ऑफ गॉल्ट्री में जाता है और प्रिंस जॉन रिबेल से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूँगा यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे। तो जैसे ही रिबेल्स अपनी सेना से हथियार डालने को कहते हैं वैसे ही वह उन्हें देशद्रोह में गिरफ्तार कर लेता है और वे रिबेल्स इसे बेईमानी कहते हैं। लेकिन प्रिंस जॉन सभी रिबेल्स को मरवा देता है। उधर दूसरी तरफ महल में किंग हेनरी फोर्थ की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, उन्हें चिंता है कि उनकी मौत के बाद उनका जो इररेस्पॉन्सिबल बेटा है वो किस तरह से शासन को चलाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उधर प्रिंस हैरी आता है और अपने पिता के सामने एक बेहतरीन स्पीच देता है और वायदा करता है कि इंग्लैंड की बेहतर सेवा वो करेगा और अपने पिता से वो माफ़ी मांगता है। उधर किंग हेनरी फोर्थ की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मौत पर प्रिंस हैरी नहीं रोए थे क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे। उधर द लॉर्ड चीफ जस्टिस किंग हेनरी फोर्थ के एडवाइज़र थे और अब वह किंग हेनरी फिफ्थ के एडवाइज़र बने हैं। प्रिंस हैरी द लॉर्ड चीफ जस्टिस को फादर फिगर मानकर अपने पिता किंग हेनरी फोर्थ की मृत्यु के बाद किंग हेनरी फिफ्थ के नाम से राजा बन जाते हैं और राजा बनकर वो फालस्टाफ से कहते हैं कि अब वह उनके साथ नहीं रह सकते। फालस्टाफ को पेंशन मिलती रहेगी मगर किंग बनकर हैरी उससे कहते हैं कि वह महल से 10 मील दूर तक भी वे उसे दिखाई ना दें, यानी अपने पूरे दोस्तों को कह देते हैं कि 10 मील दूर तक भी वो महल के दिखाई न दें। यानी यहाँ से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है कि वो राजा बनकर कितने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दोस्तों यहाँ पर ये जो प्ले है एंड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और यदि आप इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल विपुल क्लासेस को कर लीजिए सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।